हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस दी गई है, जिसे हमें देखना है कि किस तरह के सेंटेंस के साथ किस तरह का प्रपोजिशन यूज किया जाना है। सो यहाँ पे शुरू करते हैं। सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर, तो यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन यूज किया जाएगा। सफलता कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। प्लीज़ कॉल डैश अ डॉक्टर, तो जनरली कॉल के साथ और भी तरह के प्रपोजिशन यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉल इन बुलाने के सेंस में, तो प्लीज़ कॉल इन अ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू हैव नो टेस्ट डैश म्यूजिक, तो यहाँ पे प्रपोजिशन फॉर यूज किया जाएगा। यू हैव नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, तुम्हें संगीत में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ डिवोटेड डैश हिज मदरलैंड, तो यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन यूज किया जाएगा। डिवोटेड के साथ प्रपोजिशन ऑन यूज किया जाता है, वो अपने मदरलैंड के प्रति समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ही वॉज एनॉयड डैश हिज ब्रदर, तो एनॉयड के साथ प्रपोजिशन विथ यूज किया जाता है, वो अपने भाई से परेशान था। दे सेट द हाउस ऑन फायर, यहाँ पर प्रपोजिशन ऑन यूज किया जाएगा, उन्होंने घर में आग लगा दिया। दे सेट द हाउस ऑन फायर। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर वॉज एंग्री डैश अस, तो एंग्री के साथ प्रपोजिशन विथ यूज किया जाता है। द टीचर वॉज एंग्री विथ अस, टीचर हम लोगों से गुस्से थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, कोलरा ब्रोक डैश माई विलेज, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आउट यूज किया जाएगा। कोलरा ब्रेक आउट का मतलब होता है जब किसी तरह का कोई घटना जो हम लोगों के लिए या मानव हित के लिए ठीक नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई डिजीज का नाम दिया गया है कि कोलरा जो है मेरे गांव में फैल गया, तो यहाँ पे कोलरा ब्रोक आउट इन माय विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 9, आई अग्री डैश यू ऑन दिस पॉइंट, तो अग्री के साथ प्रपोजिशन विथ यूज किया जाता है। मैं तुमसे इस बात पर सहमत हूँ, आई अग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10, द बॉय इज सफरिंग डैश फीवर, तो सफ़र के साथ हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम यूज किया जाता है। द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, लड़का बुखार से पीड़ित है, तो सफ़र के साथ हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ही इज लुकिंग डैश हिज मिसिंग बुक, तो लुक के साथ यहाँ पे फॉर यूज किया जाएगा। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना, वह अपनी खोई हुई किताब ढूंढ रहा है। ही इज लुकिंग फॉर हिज मिसिंग बुक। सेंड के साथ प्रपोजिशन फॉर यूज किया जाता है, तो प्लीज़ सेंड फॉर अ डॉक्टर, कृपया डॉक्टर को बुलाएं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, आर के ठाकुर इज सीनियर डैश मी, तो यहाँ पे सीनियर के साथ टू यूज किया जाएगा कि आर के ठाकुर मुझसे सीनियर है, सीनियर के साथ यहाँ पे टू यूज किया जाएगा। द टीचर इज़ नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी, टीचर तुम्हारे स्टडी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो सेटिस्फाइड के साथ प्रपोजिशन विथ यूज किया जाता है, एंड ये याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटेंस, यू शुड अवेस्टन डैश बैड थिंग्स, तो अवेस्टन के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम यूज किया जाता है। फ्रॉम, यू शुड अवेस्टन फ्रॉम बैड थिंग्स, तुम्हें बुरे चीज़ों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सी वॉज प्रोफिशियंट डैश मैथमेटिक्स, तो वह किस चीज़ में निपुण थी, तो मैथमेटिक्स में, और यहाँ पे प्रोफिशियंट यहाँ पे इन यूज किया जाएगा प्रपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का, द थीव्स ब्रोक डैश द हाउस, यहाँ पे ब्रेक के साथ इनटू यूज किया जाएगा। जब वह बलपूर्वक किसी चीज़ के अंदर घुसने के अर्थ में, यहाँ पे चूंकि बोला गया है द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, कि चोर जो है घर में घुसा, तो यहाँ पे ब्रेक के साथ इनटू यूज किया जाएगा। यहाँ पे ब्रेक का सेकेंड फॉर्म दिया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज जेलस डैश मी, तो जेलस का मतलब होता है इस्यालू, तो यहाँ पे जेलस के साथ ऑफ यूज किया जाएगा, ही इज जेलस ऑफ मी। आगे बढ़ते हैं, ही कैम डैश मी इन द मार्केट, तो एक फ्रेजल वर्ब होता है कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, जब किसी से संयोग से मिलते हैं, मीट बाय चांस, जब किसी चीज़ को लेकर एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं और अचानक वो चीज़, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि वह मुझसे मार्केट में मिला, तो ही कैम अक्रॉस मी इन द मार्केट। देर वॉज नो काउज ऑफ एन एंग्जाइटी, यहाँ पे काउज के बाद यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन ऑफ यूज किया जाएगा, कि चिंता का कोई कारण नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी हैज़ अ पैशन डैश म्यूजिक एंड डांस,
तो यहाँ पे प्रपोजिशन फॉर यूज किया जाएगा, पैसन के साथ फॉर यूज किया जाएगा कि उसका दिलचस्पी जो है रुचि म्यूजिक और डांस में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सक्सेस कंसिस्ट डैश इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब होता है मेहनत, तो यहाँ पे कंसिस्ट के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है कि सफलता जो है मेहनत से बनी हुई होती है। और जनरली जब टाइम बताया जाता है वॉच के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे बाय प्रपोजिशन बाय का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितने बजा है। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, और बेनिफिशियल के साथ यहाँ पे फॉर यूज किया जाएगा प्रपोजिशन फॉर कि एक्सरसाइज जो है हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, लाभप्रद होता है। प्रेफर वाले सेंटेंस में प्रपोजिशन टू यूज किया जाता है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आई प्रेफर मिल्क टू टी, मुझे चाय से अधिक दूध पसंद है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो है जिस सेंटेंस में प्रेफर किसी चीज़ से ज़्यादा पसंद करना, तो वहाँ पे प्रपोजिशन टू यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे यू मस्ट बी वेयर डैश बैड कंपनी, तो यहाँ पे जो है बीवेयर के साथ प्रपोजिशन ऑफ यूज किया जाएगा, तुम्हें बुरे संगत से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तो बीवेयर के साथ यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन। नेक्स्ट है आई डिफर डैश यू, तो आई डिफर विथ यू, मैं आपसे असहमत हूँ, तो डिफर के साथ यहाँ पे प्रपोजिशन विथ यूज किया गया है। नेक्स्ट है ही वॉज इन्वॉल्व डैश क्राइम, तो ही वॉज इन्वॉल्व इन क्राइम, यहाँ पे प्रपोजिशन इन यूज किया जाएगा, प्रपोजिशन इन यूज किया जाएगा इन्वॉल्व के साथ। नेक्स्ट है 29 आई एम वेक्स्ड डैश योर ब्रदर, तो वेक्स्ड के साथ जो है प्रपोजिशन विथ यूज किया जाएगा। और यहाँ पे मोहन डील्स फेयरली डैश हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे डील के साथ प्रपोजिशन विथ, हालांकि डील के साथ और भी प्रपोजिशन यूज किया जाता है लेकिन किसी के साथ बिहेवियर के सेंस में, किसी के साथ व्यवहार करने के सेंस में वहाँ पे डील के साथ विथ यूज किया जाता है कि मोहन अपने फ्रेंड के साथ फेयरली बिहेव करता है, तो यहाँ पे डील